अभी हमारी एक जर्नी कंप्लीट होते हुए हम जा रहे हैं दूसरी जर्नी पे, जो है नीचे रामेश्वरम पुल, जहाँ से हमारा राम सेतु का पुल दिखता है, मतलब जहाँ से जाते थे वहाँ जा रहे हैं। अभी हम इस रास्ते जाएंगे और ये जो मॉर्निंग में दिखाया था आपको, रूम पे आते ही मैं निकल पड़ा हूँ दूसरी जर्नी, दूसरे सफ़र की ओर। कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, तो चलते हैं फिर वहाँ से माथा टेक के आते हैं। ये मेरी गली है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे मंदिर है दुर्गा माँ का, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम अभी जाते हैं, टफ हो जाता है यहाँ पे हाईवे क्रॉस करने में, देख सकते हैं आप। ऑटो मिल गया है, फिर चले हम नई सफर की ओर। कुछ कहना चाहोगे ब्रू? बाय बाय सातम राय। ऐसा ना बोलो, हाँ चलो दोस्तों मिलते हैं आपको आगे, जाने वाले हैं हम। कहाँ जा रहे हैं हम? रामेश्वरम जा रहे हैं हम, गूगल मैप से देखते हुए रामेश्वरम में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी रामेश्वरम, हनुमान मंदिर, गगन पहाड़, हैदराबाद, ये देखिए। और यहाँ से हम पकड़ेंगे बेंगलुरु की बस, क्या बोलती है पब्लिक। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ से बैठने वाले हैं यहाँ पे बेंगलुरु की बस में, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं बस आ रही है, बस में जा रहे हैं हम यहाँ से बेंगलुरु, थोड़ा नज़दीक है। ये देखिए, बेंगलुरु मिल चुकी है हमें बस। तो हम ये वाली बस में आ रहे हैं, अभी बेंगलोर जा रहे हैं इस वाली बस में, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप लग चुका है, देखिए नान रोटी मिली है नान, और ये सारी बसें वहाँ की है और बेंगलोर के लिए हमें मिलती है। अभी मिलते हैं दोस्तों आपको बेंगलोर वाले, सुबह 5 बजे पहुँच जाएंगे हम। ये देखिए ए पी हमारी है एनएल, और यहाँ पे हम जा रहे हैं वॉशरूम, जो कि बहुत आ गया था 15 मिनट के लिए रेस्ट करती है यहाँ पे। वॉल्वो हमारी स्लीपर में जा रहे हैं हम, देख सकते हैं आप। जेंट्स टॉयलेट अन्ना मूर्ति अभी देती मूर्ति। तो मैंने स्नैक्स ले चुका हूँ, मैं बिस्किट ले रहा है, वाटर बॉटल और लेस, और ये सबसे जैकेट और सोने का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम जब सुबह हमारी आँख खुली तो हमें दिखा एक दूर कर्नाटक का पहाड़, दूरी से पत्थर, और इसको मैंने अपने फ़ोन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, आँखों से तो अलग ही नज़रिया था हमारा। इसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर बेंगलोर में, जो कि बेंगलुरु सिटी में एंटर करते ही हमें थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लगा। वॉल्वो स्लीपर से देख रहे हैं अंदर, ये यहाँ पे फुटपाथ ऊपर फ्लाईओवर से, और देख सकते हैं बेंगलुरु में हम एंटर कर चुके थे। जैसे ही एंटर करा तो ये दिखा मंजर आपका, आय हाय हाय क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है हमें, जैसा कि आप कैमरा के थ्रू ब्लॉग में देख सकते हैं। और धीरे धीरे आगे ये देखिए, और यहाँ पे आगे से गाड़ियाँ आ रही थी सिटी बेंगलोर, पहली बार ऐसा नज़ारा बेंगलोर का देखने को मिला हमें।
धीरे धीरे आगे मॉर्निंग का व्यू देखने में अलग ही मज़ा आ रहा था। और मॉर्निंग का समय और कोई भी सड़क पे दिख नहीं रहा था, ओनली गाड़ियों से अलावा एक आधा लोग दिख गए होंगे, वरना बेंगलोर में कोई दिख ही नहीं रहा था। और मॉर्निंग का हमारा ये नज़ारा कितना सॉलिड। और ये देखिए, हम यहाँ पे आ चुके थे अपने दोस्त के रूम पे, जो कि बेंगलोर में रहता है, और यहाँ पे हम उसके रूम से ऊपर बालकनी से देखते हुए, और ये है हमारा मारवाड़ी बिजनेसमैन, जो कि देख सकते हैं आप बहुत ही, ये देखिए मारवाड़ी है एकदम, मूछों को ताओ मूछे रखी है और बता रहा है हमें इस तरीके से। देख सकते हैं आप नीचे, और यहाँ से बालकनी से नीचे देखते हुए ऊपर आगे पे, और मारवाड़ी ताओ देता हुआ अपने मूछों पे। वंडरफुल मारवाड़ी, सुंदर नज़ारा मारवाड़ी का, चेहरा देख सकते हैं आप। सोने की शॉप में ये जॉब करता है यहाँ। जैसा कि दोस्तों, हमें यहाँ दूध तो मिला नहीं, शॉप बहुत दूर थी तो जाने के लिए कोई तैयार था नहीं, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक टी का साधन अपनाया अपना, और ब्लैक टी बनाई, और उसके साथ हमें ब्रेकफास्ट में मिला यहाँ पे ये रागी का आटा, जो कि हमें इसका हलवा बनाना था। दूध भी था नहीं, कम था दूध, तो जिस तरीके से देख सकते हैं स्पेशल रागी मेल्ट, और ये बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, जो कि दूध की जो कमी महसूस हुई थी बहुत। और इसके बाद आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, ये मैं तुम्हारा भाई फिर से कैमरा को साफ कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो। और ये देख सकते हैं आप वीडियो को, पहले कैप को, और देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं अपना फेस देख रहा हूँ कि कैसा आ रहा है फ्रंट कैमरे से। और उसके बाद मैंने जो बनाया था वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बनाया था हमने हलवा रागी का, और थोड़ा सा हमने इसमें शुगर ऐड करा था, और वाटर और एंड मिल्क, और उसके साथ हम बाद में लंच टाइम में ला गए थे मार्केट से रोटी। और ये है हमारा, ये दे सकते हैं, ये चावल के साथ रसम मिली है, और ये पराठा, और यहाँ ज़्यादातर चावल ही मिलता है इसलिए चावल खाना पड़ता है। देख सकते हैं आप कैसी पैकिंग है, कैसे पेपर के अंदर यहाँ पे प्लास्टिक लगा के पैकिंग आ चुकी है। और ये भाई ने निकाला है थोड़ा अपने लिए राइस, और इसके साथ मैं भी खा रहा हूँ राइस और रसम के साथ, और स्वादिष्ट एकदम लंच करा जा रहा है यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों, लंच के बाद हम चले ऊपर छत में, और छत से थोड़ा बहुत बेंगलुरु का व्यू देखा। बंदे ने बोला चलो छत में घुमाता हूँ आपको, और देख सकते हैं आप इस तरीके से बेंगलोर शहर का छोटा सा हिस्से में थोड़ा कैमरा घुमाया मैंने, और इस तरीके का आ रहा था व्यू। और यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा लगा हमें, चूँकि हैदराबाद के मुकाबले ज़्यादा था। उसके बाद हम चल पड़े हैं रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि रेलवे स्टेशन में हमारी टिकट थी जो कि मदुरई तक की थी, मदुरई तक का सफ़र। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं ऑटो का, जो हमने रैपिडो कैब करी है, वो आने में बस कुछ चंद मिनट की और वेट करना पड़ेगा हमें। और सामने थी एक हेयर कटिंग वाला, और ये रहे हमारा ऑटो। अब हम चल पड़े हैं मदुरई रेलवे स्टेशन की तरफ। धीरे धीरे ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, और हम पीछे से मज़े से आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमें नए लोग दिखे यहाँ, और कुछ अलग तरीके का हमें नज़ारा मिला, क्योंकि पहली बार हम साउथ को हम विजिट करने वाले थे, और वो भी बहुत ही दूर। जैसे जैसे ऑटो वाला आगे बढ़ाए रहा था चला के ऑटो, हम पीछे से मज़े से सोच ही रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इस तरीके से हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमें कुछ ऐसे तरीके का मार्केट दिखा है, जो कि हमें ऑटो में बैठते बैठते पीछे से दिखा कि ऐसे यहाँ का मार्केट है। नई जगहों में थे तो नई जगहों में देखना ज़रूरी बनता है, नई चीज़ें देखी, देखने को मिली। और ये है मैं और मेरा भाई, जो कि हम दोनों चल पड़े हैं नए सफ़र की ओर, और ये कुछ सोच रहा है, देख रहा है यहाँ का चाल ढाल, और मैं हंस रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी तरफ देख नहीं रहा। और कुछ उस तरीके के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक मिला हमें, तो इस तरीके का था। और यहाँ से हमारा ऑटो वाला गली से अपना ऑटो निकाल के चल पड़ा है फिर हाईवे की ओर, मदुरई स्टेशन की ओर धीरे धीरे। और यहाँ पे अंकल देख सकते हैं आप मोबाइल पे बात करते हुए स्कूटी चला रहे हैं, और इस तरीके का यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है आपको, तो नज़ारे का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक गेट मिला, और चलो दोस्तों आगे का सफर यहीं से शुरू करते हैं फिर।
और दोस्तों यहाँ से हमारा KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन चंद दूरी पे, और ये यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हुए और ऑटो वाले ने जैसे ही छोड़ा हमें रेलवे स्टेशन पे, हम धीरे धीरे कदमों से KSR रेलवे स्टेशन की ओर एंटर होते हुए, और हमने यहाँ देखा जिस तरीके का माहौल था वो तो बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि पहली बार आँखों ने इस तरीके का रेलवे स्टेशन देखा था। और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते रहे, ये देख सकते हैं आप लोग भी यहाँ पे आवाजाही बहुत है, क्योंकि अच्छा रेलवे स्टेशन है बेंगलोर। और देख सकते हैं आगे मोदी जी की जो कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। और जैसे हमने बोर्ड पे यहाँ पर देखा जो हमारी ट्रेन थी उनकी कौन से एक्सप्रेस का नंबर क्या है, कब जाएगी टाइमिंग, तो हमें पता चला कि इस बोर्ड से कि यहाँ हमारी जो रेलवे स्टेशन से टिकट है वो रेलवे स्टेशन ये नहीं है। तो हमने फिर से कैब करी और हमने एक कैब क्या करनी थी, हमने ऑटो करा, ऑटो करके हम रैपिडो में देख सकते हैं ऑटो वाला आगे, और ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि अन्ना हमको दूसरे रेलवे स्टेशन छोड़ दी और बहुत जल्दी छोड़ दी, क्योंकि हमारी ट्रेन 5:15 की थी जो कि हमें यहाँ पे 4:30 तो हो ही गया था और आधे घंटे में इम्पॉसिबल दिखा रहा था मैप पे, लेकिन हमारे जो ऑटो वाले अन्ना थे इनने पॉसिबल कर दिखाया और ये अपनी ऑटो को ऐसे भगा रहे थे जैसे कि क्या ही बोले। और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारी रेलवे हमारी ट्रेन ना छूटे इसलिए ये बहुत तेज़ी से चला रहे थे। जैसे जैसे आगे हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन की तरफ वैसे वैसे नज़ारे भी दिख रहे थे। धीरे धीरे हम भैया आगे की तरफ बढ़ते रहे और हम ऑटो से पीछे से नज़ारे देखते रहे, जो कि मैंने अपने कैमरे में कैद भी कर रखा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे हाईवे है और सड़कें हैं, देख सकते हैं आप गाड़ी की दनदनाती लाइनें हैं जो कि आ रही जा रही है, और ये देख सकते हैं आप क्या नज़ारा, यहाँ तो और भी लाजवाब था, जो आँखों ने देखा वो कैमरे ने नहीं देखा। ये बात है, आँखों का अलग नज़रिया होता है और कैमरे का अलग नज़रिया होता है, और ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना रेलवे स्टेशन जहां से हमने मदुरई के लिए ट्रेन की टिकट करी थी, और हम भैया का बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी हमें पहुंचा दिया था यहां। और कुछ इस तरीके का नज़ारा भी देखने को मिला रेलवे स्टेशन के बगल में ऐसा था कुछ, और यहां पे फूल और यहां के पेड़ जो कि पौधे बहुत ही अच्छे थे, और रेलवे स्टेशन आपको सामने दिख रहा होगा। और भैया ने हमें ठीक 20 मिनट पहले यहां टेक दी थी अपना ऑटो, जिससे हमें बहुत ही शानदार। उसके बाद हम चल पड़े ट्रेन में, ये हमारी ट्रेन की व्यू है जो हमने ट्रेन के अपर लोअर हमारा जो नीचे की साइड था वो थी सीट बेल्ट रखी है, और यहाँ से मैं कैमरे को घुमा रहा हूँ क्योंकि बेंगलुरु सिटी दिख रही है, ट्रेन धीरे धीरे आगे चल रही है और बेंगलुरु सिटी भी पीछे छूट रहा है। थोड़ा छोटा मोटा हमने बिल्डिंगें देखी तो मैंने इसको कैमरे में जो कि अच्छा लग रहा था मैंने सोचा क्यों ना कैमरे में कैद किया जाए। तो देख सकते हैं आप इस तरीके का यहाँ पे बेंगलोर का नज़ारा देखने को मिला ट्रेन से, कुछ अलग एक्सपीरियंस था हमारा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमने होता है मतलब अगर नई सिटी में जाओ इस तरीके का देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार। ये देख सकते हैं आप फिर से थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और कैमरे में कैद होती रही तस्वीरें, वीडियो बनती रही, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको ऐसे ही देख सकते हैं आप। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये मेरे मोमेंट है, छोटे मोटे मोमेंट जो कि हमने इस मोबाइल के जरिए एक व्लॉग के जरिए दिखा रखा है। सीन ऐसा भी है, ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे आगे चलते रह रहे और धीरे धीरे नज़ारे दिखते रह रहे, वाओ क्या नज़ारा है।
और यहाँ पे मेरा भाई बैठ रखा है 38 अपर सीट में, अभी सोने की तैयारी कर रहा था, और मैं नीचे लोअर सीट में 40 जो कि अलग हो गए थे और सोते हैं दोस्त। Thank you.